रेसलर सुशील कुमार के गुनाह की कहानी, गैंगस्टर से भी सामने आ रहे तालुकात, कई गैंग के लिए काम करने की भी चर्चाएं, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग की नजरों में अब सुशील कुमार, गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस के निशाने पर पहलवान सुशील कुमार। हिंदुस्तान का गौरव माना जाता था रेसलर सुशील कुमार को, लेकिन लगता है अब इसके पतन की कहानी तैयार होना शुरू हो चुकी है। दिल्ली में पहलवान सागर हत्याकांड के बाद से 18 दिन तक फरारी काटने के बाद सुशील आखिर खाकी के शिकंजे में आ ही गया, जिसके बाद अब खंगाली जा रही है पहलवान सुशील के गुनाह और गुनहगारों से उसके रिश्तों की कर्म कुंडली। चलिए आज आपको बताते हैं अभी तक चल रही उन चर्चाओं के बारे में, या यूं कहें कि पुलिस के सामने आने वाली गुनाह की वो कहानी, जिसके बाद अब उसे भी लगने लगा है कि सुशील कुमार केवल रेसलर नहीं बल्कि गैंगस्टर से ताल्लुकात रखने वाला वो शख्स है, जो अपने सफेद पर्दे के पीछे गुनाह की शाही से भी अपराध की स्क्रिप्ट तैयार करने में शामिल है। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों में कहा जा रहा है कि कुश्ती किंग सुशील कुमार का दिल्ली के वांटेड अपराधियों के साथ क्राइम कनेक्शन सामने आ रहा है। आरोप है कि सुशील दिल्ली NCR के उस क्रिमिनल ग्रुप के साथ काम कर रहा था जिसके दुश्मनी मलेशिया में बैठे एक बड़े गैंगस्टर से थी। अब दिल्ली NCR के उस क्रिमिनल ग्रुप और मलेशिया में बैठे गैंगस्टर से ताल्लुकात की कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेसलिंग के रिंग में अपना सिक्का जमाने वाला सुशील कुमार वक्त के साथ बड़े बड़े सरगनाओं के संपर्क में आ गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली हरियाणा के कई गैंगस्टर्स के संपर्क में था, विदेश में बैठे अपराधियों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से जुड़ा था। सूत्र बताते हैं कि सुशील अपराधियों और कारोबारियों के बीच कड़ी का काम करता था, गुंडों को रंगदारी दिलवाने और जमीन पर कब्जा दिलाने में वो उन्हें मदद करता था, जिसके बदले में रेसलर सुशील कुमार कमीशन के नाम पर अच्छे खासे नोट कमाता था। बताया जाता है कि सुशील ये सारे काले धंधे छत्रसाल स्टेडियम में अपने ऑफिस से ही चलाता था, जहां अपराधियों का आना जाना आम बात थी। यहां तक कि जिस रात सुशील पर छत्रसाल स्टेडियम में सागर से मारपीट के आरोप लगे हैं, उस वारदात के वक्त भी कुख्यात अपराधी नीरज बवानिया गैंग से जुड़े लोग वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से एक जिस हथियारों वाली स्कॉर्पियो को बरामद किया, वो नीरज बवानिया के कुर्गों की बताई जा रही है। अब केवल नीरज बवानिया ही नहीं, सुशील के सपोर्ट के लिए काला असोदा गैंग के दर्जनों लोग भी छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। मौका वारदात पर इतने सारे अपराधियों की मौजूदगी सीधे सीधे इशारा करती है कि सुशील कुमार का इनसे कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर था। लिहाजा क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर नीरज बवानिया से क्या संबंध थे, क्या रेसलर सुशील गैंगस्टर नीरज बवानिया के संपर्क में था, आखिर ओलंपिक मेडलिस्ट कैसे अपराधियों के कनेक्शन में आ गया, क्या देश का गौरव बढ़ाने वाला पहलवान अब विदेश में बैठे अपराधियों का गुर्गा बन चुका है, और क्या सागर पहलवान के मर्डर के पीछे भी अपराधियों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई बड़ी वजह है। इन सवालों के जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक सुशील महज 25,000 रुपए के किराए की खातिर किसी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे, ये बात कुछ हजम नहीं होती। लिहाजा दिल्ली पुलिस अब कुश्ती किंग सुशील कुमार के क्राइम कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुट गई है। आपको बता दें कि सुशील कुमार के इन क्रिमिनल साथियों का बड़ा ग्रुप दिल्ली NCR से लेकर दुबई और मलेशिया से भी ऑपरेट कर रहा है। आपको बताते हैं कि पहलवानों से मारपीट के इस मामले के पीछे कैसे अपराधियों के वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा सामने आ रहा है और क्यों अब सुशील कुमार को भी अपनी जान का डर सता रहा है। गैंगस्टर और गैंगवार सिर्फ मुंबई में ही नहीं होते, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे NCR के इलाकों में भी ऐसे अपराधियों की भरमार है जो अपने वर्चस्व की खातिर सरेआम किसी का कत्ल करने में भी बाज नहीं आते। और अब मशहूर रेसलर सुशील कुमार के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो ऐसे ही अपराध जगत का हिस्सा बन चुका है। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के लिए काम करता था। नीरज बवानिया को दिल्ली NCR में असोदा गैंग का भी सपोर्ट हासिल था। क्राइम के दुनिया की इस कहानी में कलह की शुरुआत तब हुई जब मलेशिया में बैठे गैंगस्टर काला जठेड़ी ने हरियाणा से निकलकर
दिल्ली एनसीआर में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। जहां जठेड़ी का वसूली बिजनेस संभालता था, उसका भांजा सोनू महाल, वही सोनू जो 4 मई को मारे गए सागर पहलवान का खास दोस्त है। यूं तो भवानिया गैंग और जठेड़ी गुट में पहले भी कई दफा गैंगवार हो चुकी है और दोनों तरफ से दर्जन अपराधी मारे जा चुके हैं, मगर 4 मई की रात जब सुशील कुमार ने सागर पहलवान के साथ उसके दोस्त सोनू महाल को भी किडनैप कर उसकी पिटाई कर दी, तो भवानिया गैंग और जठेड़ी गैंग गुट के बीच एक बार फिर अदावत की आग भड़क चुकी है। और तो और, अब खबरें ऐसी भी हैं कि अपने भांजे पर हमले से बौखलाए संदीप उर्फ कारा जठेड़ी ने सुशील कुमार से बदले का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद सुशील कुमार को अपनी जान का डर सताने लगा है। यानी अब यह भी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजरों में सुशील कुमार खटक गया है। ऐसा क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल काला जठेड़ी पर अकेले हरियाणा में 7 लाख का इनाम है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में इसके गुर्गे लगातार वारदातों को अंजाम भी देते रहे हैं। बताया जाता है कि काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वर्तमान में मुखिया है और विदेश में रहकर हिंदुस्तान में वारदात को अंजाम दिलवा रहा है। पुलिस की माने तो राजधानी में नीरज भवाना समेत जितने भी गैंगस्टर हैं, वो सब अभी जेल में हैं। इसलिए काला जठेड़ी दिल्ली में अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटा है। पुलिस का मानना है कि काला जठेड़ी इस वक्त विदेश में ही होगा, क्योंकि काला और बिश्नोई की मुलाकात करवाने वाला नजफगढ़ का कुख्यात बदमाश कपिल सांगवान और नंदू भी इन दिनों लंदन में बैठकर ही गिरोह चला रहा है। उसके बाद से ही दोनों ने अपराध की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। काला जठेड़ी गैंग दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को पुलिस भी मानती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले इनका बेस हरियाणा था, जैसे जैसे इनके साथ बदमाश जुड़ते चले गए, इनके अड्डे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली बन गए। यहाँ दिल्ली में इन्होंने हत्याओं की करीब 10 वारदातों को अंजाम दिया है। इस गैंग का सरगना संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद वह केबल ऑपरेटर का काम करता था। जून 2009 में उसने रोहतक में लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद रंजिश के चलते मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में उसने हत्या को अंजाम दिया। और बात अगर लॉरेंस बिश्नोई की करें तो कहानी उसकी भी कम नहीं, और वो भी अपनी गैंग का आका ही है। यूं तो गुनाह की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी चर्चित रहा है, लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, उसके बाद से राजस्थान में उसका नाम और भी उछल गया। इस गैंग में तकरीबन 100 से भी ज्यादा बदमाश बताए जाते हैं, जिनकी वजह से गैंग पर पूरी तरह लगाम लगाना भी पुलिस के लिए कुछ आसान नहीं। तो जाहिर है दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर हमेशा से ही गैंगस्टर्स के पसंदीदा शहर माने जाते रहे हैं। कारण, यहाँ पैसा बेशुमार होता है और नाम भी तुरंत चमक जाता है। और शायद इसीलिए रेसलर सुशील कुमार भी गैंगस्टर से ताल्लुक रखने लगा था। बहरहाल आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस और भी कई ऐसे खुलासे कर सकती है, जिसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को हैरान होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।